Hey guys, hello. हमेशा जरूरी नहीं है कि मेरी तरह ऐसा गेम प्ले करने के लिए आपको ऐसा ही एक पीसी सीपीयू एक लाख दो लाख तीन लाख या फिर 10 लाख तक का सीपीयू जरूरी है। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी हमें बहुत ज्यादा प्रो बना देती है। अब वो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ चलो बताता हूँ। ये है मेरा वो मॉन्स्टर सीपीयू जिसमें बहुत अच्छा खासा स्पेसिफिकेशंस लगा हुआ है गेम्स खेलने के लिए, लेकिन इसका उतना ज्यादा रोल प्ले नहीं होता है जब मैं फ्री फायर खेल रहा होता हूँ। सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले होता है इसका। यस, दिस इज द मेन थिंग जिसके बारे में आज का ये मेन वीडियो होने वाला है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस छोटे से नन्हे से चीज के बारे में। बाय द वे यार, ये बहुत ही ज्यादा आपका गेम नेक्स्ट लेवल बना सकता है, तो वीडियो मस्त देखो पूरा। अब यहाँ पे मेरा कीबोर्ड है और ये है इसका माउस। अब ये माउस स्पेशल क्यों है, इसमें ऐसा क्या है जिसको मैं इतना ज्यादा इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। देखो, ये है गेमिंग माउस। एक नॉर्मल माउस के मुकाबले कई गुना ज्यादा इसके अंदर फीचर्स डाले जाते हैं, जो कि एक्चुअली में आपको फर्क देखने को तब मिलेगा जब आप गेम खेल रहे होते हो यहाँ पे। तो इस गेमिंग माउस का एक्चुअली में काम क्या आता है, क्या ये सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है या फिर सचमुच का इसके अंदर कुछ काम भी होता है? नहीं, तो मैं बता दूं यार, इसका इतना बढ़िया काम है ना कि आपको पीसी में अंदर से जाके कोई सेटअप करने की भी जरूरत नहीं, जो आपको यही यहाँ से करने का मौका दे देता है। अभी मैं एक छोटा सा आपको चीज दिखाता हूँ। अभी देखो, मेरा हाथ यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा इतना सा हिलेगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे माउस का पॉइंटर दिखाऊंगा आप लोगों को। ये रहा मेरा पॉइंटर। अब मैं इतना सा हिलाऊंगा और आप लोग थोड़ा सा गौर करना मेरे माउस के इस पॉइंटर को, ठीक है, कहाँ तक जाता है। ये रहा मेरा पॉइंटर। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा हो सके तो स्लो मोशन में देख लेना। अभी मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगा, ठीक है। ये देखो, थोड़ा सा हिलाने पर ये ऐसे ऐसे मैं हिला रहा हूँ, ठीक है, तो ये इस कोने से लेकर यहाँ तक आ सकता है, नीचे ये कोने तक आ सकता है, मैं इतना सा हिलाने पर, ठीक है। लेकिन अगर सेम टाइम पे मैं कुछ ऐसी चीज कर दूं जिसके बाद आप खुद देखोगे कि मैं इतना हाथ हिलाने पर भी ये बहुत मुश्किल से यहाँ तक आ रहा है। अब देखो, मैंने एक बटन दबाया, अब देखना जरा। अब देखो, मेरा यहाँ पे जो है ये रहा मेरा पॉइंटर, ठीक है। अब मेरा पॉइंटर मैं लेके गया यहाँ तक। अब लेके आने में, कोने तक लेके आने में मुझे यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ तक लेके आना पड़ा हाथ को। तो समझ रहे हो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, समझ रहे हो ना? यहाँ से यहाँ तक लेके आने में मेरा इतना ज्यादा हाथ हिलाना पड़ रहा है। ये है गाइस डीपीआई का कमाल। तो इस माउस के अंदर, गेमिंग माउस के अंदर डीपीआई दिया जाता है, तो ये बहुत बढ़िया फंक्शन मेंटेन करता है। अगर मैं इसको दबाता हूँ, इसका अलग अलग डीपीआई मोड्स है और इसका ये टॉप वाला है, ये वाला है टॉप वाला, और मैं टॉप वाला यूज करता हूँ ऑल टाइम ताकि भाई तगड़ा वाला डीपीआई मिले। मतलब मुझे अलग से कुछ सेट करने की जरूरत ही नहीं बढ़ती है, मेरा ऑलमोस्ट 90% काम हो जाता है इसी माउस के जरिए। मतलब डीपीआई एकदम हाई रहता है मेरा, इसी वजह से आप लोग देखते होंगे कि मेरा हेडशॉट और मतलब जो भी मैं मूवमेंट करता हूं वो नेक्स्ट लेवल होता है एकदम। ये साइड में भी दो डीपीआई के बटन दिए गए हैं, ये भी सेम ही काम करते हैं। मतलब आप चाहो तो यहां से भी बटन प्रेस करके कर सकते हो या तो मिडल में भी करके कर सकते हो, तो दोनों पर सेम ही काम होता है। लेकिन अगर बात आता है नॉर्मल माउस का और एक गेमिंग माउस का, तो भाई डिफरेंस बहुत ज्यादा है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक गेमिंग माउस बहुत ज्यादा तगड़ा एम प्रिसिजन करने में सक्षम है। मतलब अगर आप एक गेमिंग माउस में खेलते हो तो आपके हेडशॉट्स या फिर आप जहां कहीं भी टारगेट कर रहे हो वहां पे आपका डायरेक्ट प्रिसिजन बहुत बढ़िया होने वाला है। मतलब हेडशॉट्स तो आपके नेक्स्ट लेवल वाले लगने वाले हैं। इसकी वजह से मेरा हेडशॉट्स आप लोग देख सकते हो वैसे, हालांकि मैं उतना भी ज्यादा खास प्रैक्टिस भी नहीं करता हूं, लेकिन मेरे हेडशॉट्स इसकी वजह से लगते हैं। गेमिंग माउस का एक बहुत बढ़िया फीचर मुझे ये भी लगता है कि इसको पकड़ने में ना कोई भी परेशानी नहीं होती है, बहुत बढ़िया होता है, हैंडी होता है और इजी टू यूज होता है, कंफर्टेबल हो जाते हो इसको पकड़ने के बाद नॉर्मल माउस के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो। अब मेरा जो ये माउस है, ये माउस लॉजिटेक का है, कीबोर्ड भी लॉजिटेक का ही है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे आपको ब्रांड्स देखने को मिलेंगे गेमिंग के माउस एंड कीबोर्ड्स के लिए स्पेशली। बहुत सारे अच्छे खासे आरजीबी वाले भी देखने को मिल जाएंगे। मेरा वाला आरजीबी तो नहीं बोल सकते हो, बट हाँ, लाइटिंग के हिसाब से मुझे ये परफेक्ट लगता है, क्योंकि आरजीबी से बेहतर मुझे लगता है कि एक नॉर्मल सिंपल सा कलर, एक ही कलर जो कि ऐसा दिखे, क्लासी लुक लगता है। और ऊपर से अगर बोलूं तो भाई, सीपीयू तो मेरा है तगड़ा वाला, लेकिन यार मुझे पर्सनली फील होता है कि भाई अगर आप फ्री फायर ही खेलने के लिए बस पीसी बिल्ड कर रहे हो या फिर आपका पीसी है, तो मैं बोलूंगा यार सीपीयू जितना है उससे काम चल जाएगा, क्योंकि फ्री फायर के लिए सीपीयू उतना ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, बस आपके पास एक छोटा मोटा ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, काम चल जाएगा। लेकिन मेन मोटिव आता है आपको ये दोनों चीजें लेनी चाहिए। कीबोर्ड नॉर्मल से भी काम बन जाएगा अगर आपको उतना नहीं चाहिए तो, लेकिन एक माउस जरूर से गेमिंग का लेना, कम से कम 1000 रुपए के अंदर अच्छा खासा माउस आ जाएगा आज के टाइम पे। तो आई थिंक यू शुड कंसिडर दिस मच अमाउंट की आपको एक
माउस के पीछे लेना चाहिए अगर आपका गेम प्ले आप बेटर करना चाहते हो। सो आज के वीडियो में मैंने अपने गेमिंग माउस के साथ आप सबको इंट्रोड्यूस करवाया, और आगे अगर आप लोग ऐसे ही कुछ और भी रिलेटेड चीजें जानना चाहोगे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताना, मैं भी बता दूंगा। बट हाँ, ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताओ और लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू टुमॉरो, गुड बाय एंड लव यू ऑल।